डॉपलर इफेक्ट बेसिकली मैं आपको जो बताया हूँ वो बहुत ही आसान मेथड बताया हूँ प्यारे बच्चों। ये सोर्स ऑफ साउंड है, यहाँ सोर्स का साउंड है, इमिट फ्रीक्वेंसी 100 EHZ एंड ऑब्जर्वर ओ आर लोकेटेड एट ए डिस्टेंस, यहाँ पर ऑब्जर्वर है, मतलब यहाँ पे देखो इसको यहाँ पे यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर खड़ा है जो सुनेगा सोर्स ऑफ साउंड, ये सोर्स ऑफ साउंड है और फ्रीक्वेंसी 100 EHZ है, ये आपको दिया हुआ क्वेश्चन में। स्पीड द सोर्स इज मूविंग विथ स्पीड 19.4 एट एंगल 60 डिग्री, ये जो स्पीड है इधर वो 19.4 मीटर पर सेकेंड है, ऐसा आपको दिया हुआ है। The observer is at rest. Observer की जो velocity है वो मैं 0 ले लेता हूँ, apparent दिया हुआ। Frequency observed by the observer in sound की speed 330 ले रहा है। अब इसको हम कैसे करें, जो हम derivation किए थे, जो हमारा हमने आपको एक formula बताया था कि इसी formula को आपको याद करना और हमेशा लगाना है जब तक कि medium rest में है। Apparent frequency V minus VO और V minus VS और मल्टीप्लाइड बाई एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। कभी कभी बच्चे भूल जाते हैं ओ ऊपर रहेगा कि यस यस ऊपर रहेगा, तो याद रखो ओ यस ओ एस ओ एस ऐसे कुछ याद कर लो। तो यहाँ से ये सारे वेक्टर है, स्पीड ऑफ साउंड है, वेलोसिटी ऑफ साउंड है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर है, वेलोसिटी ऑफ सोर्स है और ये अपेरेंट फ्रीक्वेंसी है, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है। जब इसका डेरिवेशन हुआ था तो याद करो ये सिंगल लाइन में सारे वेक्टर थे, जो भी वेक्टर इसमें तीन वेक्टर है, तीनों वेक्टर एक सिंगल लाइन में थे। तो अब यहां पर आपको ध्यान देना है कि ये वाली जो वेक्टर है, जो स्पीड ऑफ सोर्स है वो इधर जा रहा है 19.4 से और ऑब्जर्वर इधर है, तो इसका हमें कंपोनेंट करना पड़ेगा इसको लगाने के लिए, क्योंकि इसमें वन डायमेंशन में सारे ये डिराइव हुए थे। तो यहां से इसका कंपोनेंट, एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा जो होगा बी एस कॉस 60 और एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर चल जाएगा जो होगा वी एस साइन 60। वी एस साइन 60 की वजह से इस ऑब्जर्वर को कोई डॉपलर इफेक्ट नहीं होता है, तो इसको हम नेगलेक्ट कर देंगे। अब यहाँ पे साउंड की स्पीड भी इधर ही आएगी तभी तो सुनेगा, तो यहाँ से अब मैं इधर पॉजिटिव ले लेता हूँ तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी वाला फार्मूला लगाऊँ तो इसको मिलेगा जो एफ डैश साउंड की स्पीड 330 में इस साउंड, ये सोर्स है ना भाई, ये साउंड जनरेट करेगा तो साउंड इधर आएगी तभी तो सुनेगा ये। तो यहाँ से इधर मैं पॉजिटिव ले लिया हूँ माइनस स्पीड ऑफ वेलोसिटी या ऑब्जर्वर वो रेस्ट में है डिवाइडेड बाई 330, इधर मैं पॉजिटिव ले लिया हूँ और इधर मैं पॉजिटिव ले लिया हूँ तो माइनस साइन माइनस ही रहेगा और ये यहाँ पे आ जाएगा माइनस वी एस कॉस 60 और मल्टीप्लाइड बाई एक्चुअल फ्रीक्वेंसी जो कि 100 है। दिस इज द अपेरेंट फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वर बाई दिस ऑब्जर्वर, आपको कोई नया साइन कन्वेंशन याद करने की जरूरत नहीं है। तो एफ डैश इज इक्वल टू, सिंपल बात याद रखो कि एक डायरेक्शन में लगने वाले वेक्टर की साइन एक जैसे होगी, तो 330 माइनस 19.4 कॉस 60 साइन 30 1/2 और मल्टीप्लाइड बाई 100, एक काट कूट लेना इसको, ये 103 आ जाएगा, इसको काट लोगे तो 103 हर्ट्ज ए फ्रीक्वेंसी। दिस इज द अपेरेंट फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वर बाई ऑब्जर्वर, दिस इज कॉल्ड डॉपलर इफेक्ट इन टू डायमेंशन, आपको यही फार्मूला लगाना है। चलो